तो कितनी भी कोशिश कर ले पा रहा हूँ, मैं आज ये खून शंकर को नहीं चढ़ने दूंगी। तू शंकर को नहीं बचा पाएगी। दादी अम्मा, दादी अम्मा, हमारे सरकार खून मिल गया। शाबाश पारो। अरे खून मिल गया, खून मिल गया। हे भोलेनाथ, सुनिए, ये खून वो ऑपरेशन चल रहा है। जा जा के डॉक्टर को ले जा। पारो, तूने कर दिखाया बेटा। पारो, खैर शुक्रिया। अगर आज तू नहीं होती तो नदीमा सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कैसा है शंकर, ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, शंकर अब स्टेबल है। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। अरे वाह, थोड़ी देर में होश आ जाएगा कह रहे हैं? भोलेनाथ तेरा शुक्रिया। और भाभी का भी भला हो, उनकी वजह से आज भैया सही हो गए। हरियाली तीज की ही तरह इस व्रत को सभी विवाहित महिलाएं अपना व्रत का पालन करती हैं और फिर व्रत के अगले दिन ही जल ग्रहण करें। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर अपने बाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। माता पार्वती की इस अवस्था को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। तब माता के इस कठोर तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भोलेनाथ, हम भी अपने शंकर के लिए व्रत रखेंगे। दीदी, देर कर दी आपने, उस नागिन ने फिर से बचा लिया शंकर को। अब क्या करेंगे जीजी? अधूरा काम पूरा करेंगे। शंकर को अपने हाथों से मारे, मारे, मारे। ये क्या था? और पांडवों को राज प्राप्त हो गया, तब चारों ओर सुख और शांति स्थापित हो गई। ये नहीं सुधरेगी। मैं क्या कह रही हूँ जीजी, आप जाने दीजिए। जीजी, मैंने सुना है कि सावित्री ना यमराज से अपने पति के प्राण छीन रही थी। आप तो बस चुड़ैल हैं, हाँ तो आप जाने दीजिए ना। रमा, सॉरी सॉरी चीची, ऐसी गलती क्यों करती हो तुम? हाँ, कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े। मेरे भाई की बीवी नहीं होती ना तो 6 फुट नीचे गाड़ देती जमीन के, समझी? यमराज के पास जाने तुम्हें? दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। जीजी, जीजी, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना। जीजी, मुझे यही रहना है, जहाँ मैं रहना है। जीजी, मैं मुझे माफ कर दीजिए। जीजी, मैं बस बोल रही थी कि
बारो ने तीज का व्रत रखा है ना, तो इसीलिए आज उस बारो ने शंकर को बचा लिया, लेकिन शंकर को मारेंगे। शंकर भी मरेगा और तू भी मरेगी, समझी? नहीं दीदी, दीदी शांत, शांत इतना गुस्सा ठीक नहीं है दीदी, शांत हो जाओ। और आप भूल रही हो, पिछले जन्म में आपने शंकर और पारो दोनों नाग नागिन को मारा था ना, इस जन्म में भी मार दोगी, हमें बस बस तलाश है तो एक मौके की बस। और दीदी एक बार जब हमें वो मौका मिल गया ना, तो शंकर भी मरेगा और पारो भी, बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है दीदी, थोड़ा सा। तीज का व्रत रखा है ना उसने, मैं भी देखती हूँ कि उसका व्रत कैसे पूरा होता है और शंकर को कैसे बचाती है। जाने कब शंकर के सामने हम अपने असली रूप नागिन रूप में आ पाएंगे। शंकर अब ठीक है? शंकर हमें सुन पा रहे हैं आप? पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, जय भोलेनाथ। मैंने देखा जब तक सनम कैसे पालो।